everyone, I am Sadia and I would like to thank Fabina Group for giving me this opportunity to share my favorite recipe, which is chicken barra. So without wasting the time, let's start with the recipe. Chicken barra बनाने के लिए सबसे पहले हम chicken को marinate करेंगे. Marination के लिए हमें चाहिए 1/4 cup of दही, 1 tablespoon of green chili paste, 1/4 cup of fresh cream, 1 tablespoon of lemon juice, 2 tablespoon of ginger garlic paste, 1 tablespoon of chaat masala, 1 tablespoon of garam masala, salt as per taste, 1 tablespoon of jeera powder, 1 tablespoon of black pepper powder and 1 tablespoon of kasuri methi. Chicken barra banane ke liye humne 500 gram chicken liya hai aur chicken ke bade bade pieces liye hain aur usme aise deep cuts lagaye hain. Ek sharp knife ke help se aap aise cuts laga sakte hain. एक बॉल में हमने दही, क्रीम और ग्रीन चिली पेस्ट को मिक्स कर लिया है. अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे. लेमन जूस डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे. और चिकन को अच्छे से इस मसाले से कोट कर लेंगे. अब हम चिकन को ढककर एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए. अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं. एक पैन में हम 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे. चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है. तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे. हाई फ्लेम पे चिकन को 5 से 6 मिनट तक कुक होने दें. करीब 5 से 6 मिनट तक हमने चिकन को हाई फ्लेम पे पकने दिया है. अब हम फ्लेम को लो करके चिकन को ढक के पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक. पंद्रह मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से ड्राई हो गया है और कुक भी हो गया है. अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे. चिकन के पीसेस को हमने एक बारबेक्यू नेट पे रखा है और गैस पे ही हम थोड़ा सा चिकन को ग्रिल कर लेंगे. दूसरी साइड से भी हम चिकन को ग्रिल कर लेंगे. चिकन दोनों साइड से अच्छे से ग्रिल हो चुका है. अब हम चिकन बर्रा की ग्रेवी बनाएंगे. उसके लिए हमने लिए हैं 3 बड़े कटे हुए प्याज, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन, 1/4 कप फ्रेश क्रीम, 1 टेबलस्पून
ग्रीन चिली पेस्ट, 1/4 कप दही, 1/4 कप काजू, थोड़े से तले हुए प्याज, कसूरी मेथी, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वादानुसार। एक कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2-3 मिनट तक चलाते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना। 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें थोड़े काजू ऐड करेंगे और वापस इसे 1-2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें चॉप्ड लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट ही इसको भूनेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। इस मिक्सचर को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। एक कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम काजू और प्याज का पेस्ट डालेंगे। ग्रेवी को 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। ग्रेवी को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 1/4 कप दही डालेंगे, 1/4 कप क्रीम डालेंगे, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कसूरी मेथी, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। अब हम ग्रेवी में 1/4 कप जितना पानी डालेंगे। ग्रेवी में बॉईल आने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसी ग्रेवी में हम चिकन का जो मसाला बच गया था उसको ऐड कर देंगे। दो से तीन मिनट बाद फ्लेम को बंद कर दीजिए। चिकन बर्रा विद ग्रेवी तैयार है।